अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मटन की ये बेहतरीन रेसिपी जो सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि आपके पास वक्त बहुत कम होता है और अभी घर में गेस्ट आ जाते हैं, तो आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये यूनिक भी है और टेस्ट इसका लाजवाब है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने दो बड़ी प्याज ली थी, यहाँ पे, और उनको हमने रफली कट किया है। रफली हमने कट इस वजह से किया है क्योंकि अभी हमें इसको एक बॉईल देना है, तो हम यहाँ पे पानी में इसको डाल देंगे और उबालने के लिए रख देंगे। यहाँ देखिए, मैंने लिए हैं ये 50 ग्राम काजू हैं, इनका हमें पेस्ट बनाना है। ये मैंने भिगो के रखे थे पहले से। और यहाँ पर देखिए, हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया है, अब हम इसमें मटन को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आपको तेल में यहाँ पे मटन ऐड करना है। और मटन की जो मिकदार है, ये देखिए, मटन जो है 700 ग्राम के करीब है, एक किलो पूरा नहीं है, 700 ग्राम मटन हमने यहाँ पे लिया है। और ये जो मैंने मटन लिया है, ये मैंने हड्डी के साथ लिया है। अगर आप चाहें तो आप बिना हड्डी का भी इसको बना सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्ट लाजवाब आता है। और यहाँ देखिए, हमने जो आपको प्याज दिखाई थी बॉयल करके रखी थी, उसका हमने यहाँ पर पेस्ट बना लिया था। और ये हम इसमें डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है। बस आपके सारे मसाले तैयार हों तो ये सालन सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। लहसुन अदरक का पेस्ट तो आप सभी घर में पीस के रखते होंगे। और यहाँ देखिए, हमने डाली हैं सूखी मिर्ची, 4 से 5 ली थी हमने, उनको तोड़ लिया था, वो आप इसमें डाल दीजिए। अब उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है नमक। नमक आप अपने जायके के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिए। और यहाँ हमने ली हैं पीसी लाल मिर्ची, आपने देखा मैंने सूखी मिर्ची भी डाली थी, तो इसलिए लाल मिर्ची मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही डाली है। तब उसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया, धनिया पाउडर जो होता है, सिर्फ हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप इन मसालों को गोश्त के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि जितना भी मसाला है वो गोश्त में अच्छे से कोट हो जाए। तो आप इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स दे दीजिए और उसके बाद कुकर को बंद कर दीजिए 2 सीटी आने तक, जब तक आपका गोश्त यहाँ पर थोड़ा गल नहीं जाता है। तो हमारे मटन में देखिए 2 स्टीम आ चुकी थी, हमने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। और यहाँ देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें अभी भी थोड़ा पानी जो है वो बाकी है। आपने देखा था कि मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, तो गोश्त जो है वो भी अपना पानी छोड़ता है, इसीलिए यही वजह थी कि मैंने पानी ऐड नहीं किया था। और मटन जो है बहुत जल्दी गल जाता है, इसमें इतनी स्टीम लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए अभी थोड़ा पानी है, तो अभी हमें इसकी भुनाई करनी है। भुनाई आपको इस तरीके से करनी है कि बिल्कुल पानी देखिए सूख जाए। यहाँ देखिए, मैंने 5 से 10 मिनट बहुत अच्छे से भुनाई की थी, तो जो पानी था वो भी इसका देखिए बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ देखिए आप, अब उसके बाद हमने जो काजू आपको दिखाए थे उसका देखिए हमने पेस्ट तैयार कर लिया था, वो आप इसमें डाल दीजिए। तो आपको पेस्ट देखिए तभी ऐड करना है जब आप इसकी भुनाई अच्छे से कर लें, सालन का जो पानी था वो आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, उसके बाद ही आप इसमें काजू डालिएगा। अगर पानी रहेगा सालन में तो आप इसमें काजू मत ऐड कीजिएगा, पहले आपको भुनाई करके जो पानी है वो ख़त्म करना होगा। भुनाई में देखिए हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल भी चुका है। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, ये आप ज़रूर ऐड कीजिए। उसके बाद हमें इसमें पानी नहीं डालना होगा, हमें जितनी इसमें ग्रेवी चाहिए उसके लिए आप इसमें ऐड करेंगे दूध। आपने नोटिस किया होगा कि हमने इसमें देखिए पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, तो आप भी कोशिश करें जितना हो सके पानी की मकदार इसमें कम रखें। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए है आप इसमें दूध ही ऐड कीजिए। अब उसके बाद आप इसे दम पे रख दीजिए ताकि थोड़ा तेल जो है वो थोड़ा टॉप पे आ जाए। उसके बाद हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। अब 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। 10 मिनट बाद देखिए हम यहाँ पे आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। आप इस ग्रेवी की रंगत देखिए, रंग देखिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है। आपके सामने बहुत ही कम सामान के साथ हमने इतनी अच्छी डिश तैयार की है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके खाने की तारीफ हो तो एक बार आपको ये डिश ज़रूर ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप एक बार बनाएंगे तो ज़रूर आपसे सब पूछेंगे इसकी रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई करें इस बेहतरीन सी रेसिपी को और चारों तरफ अपनी ही तारीफ पाएँ। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।